ये दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में गए कि ना गए? हाँ, दुल्हन तो पूजा कर रही है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सुन, एक काम कर, ये केसर की डिबिया है, याकूब बड़ी भाभी जी को दे दीजिए जाकर के, संभाल के। 700 रुपया की है। कितने की है? 700 रुपए की है कि ना? खा मत जाइयो, दे दीजिए। अरे नहीं खाएंगे। हाँ, और काम करो, ज्यादा वक्त ना है अपने पास। हाँ सुनिए जी, आपके ये अमेरिकन दोस्त इसी वक्त क्यों फोन करते हैं सवेरे सवेरे? इन्हें और कोई काम नहीं है क्या? सुबह तो यहाँ है मिस्टर सिंह, अमेरिका में तो इस वक्त रात है। देखिए जी, आज तो आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आज का दिन तो बड़ा स्पेशल है ना। आज के दिन हमारा पोता अभय जो वापस आ रहा है इतने सालों बाद, उसके वापस आने से इस घर की खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। फिर तो हमारी शादी की 50वीं सालगिरह का मजा भी दुगना हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिसेस सिंह, लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी। आज के दिन हम आपकी हर बात मानेंगे। आप कहेंगे तो फोन पे बात करेंगे, नहीं तो चुप्पी। ये बात आपने लाख रुपए की कही है साहब। आज के दिन ना आप इनकी कोई बात टाल सको, ना जे आपकी कोई बात टाल सके, है कि नहीं? और एक बात और बताओ, हमेशा की तरह आज मैंने भी सवेरे सवेरे एक पुण्य को काम कर डाला। क्या किया? अरे आप दोनों को बधाई देने चले आए हो। थैंक यू बनवारी जी। अरे नहीं साहब, थैंक यू तो मैं आपको कहना चाहूं, आपने अपनी बहन निर्मला के जाने के बाद भी मुझको अपने बेटे जैसा प्यार किया है, ऐसा तो कोई ना कर सके, है कि नहीं? बनवारी जी, आप भी तो हमारे बेटे जैसे ही हैं, इसीलिए तो अपनों जैसो प्यार दियो, है कि नहीं? बिल्कुल है। लेकिन एक बात बोले, आपके दोनों बेटे भी वाह, क्या खूब है, कहाँ है, दिखाई ना दे रहे? वो आपको बधाई दे भी ना आया है का? नहीं नहीं, आज तो हमारे दोनों ही बेटे आज के फंक्शन की बहुत बड़ी तैयारियां करवा रहे हैं। एक बेटा तो इनके सूट की तैयारी करवा रहा है और एक बेटा मेरी साड़ी की तैयारी करवा रहा है। गुड़िया, गुड़िया ने भी दादाजी के कपड़े उठाए हुए? बहुत अच्छी है। आखिर पसंद किसकी है? इट्स माय चॉइस। लेकिन एक बात बताओ, तुमने दादी की ड्रेस ऐसे छुपा कर क्यों रखी है? जस्ट शो मी यार। अच्छा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। व्हाट ब्यूटीफुल पापा, इट्स वेरी ओल्ड फैशन। डोंट बी सरप्राइज्ड। और वैसे भी भाई साहब के फैमिली को पुरानी चीजें, आई मीन ट्रेडिशनल चीजें काफी पसंद है। रमा भाभी और उमा ने तो लगातार 15 दिनों तक तैयारियां की हैं, काफी मेहनत की है इन दोनों ने। You're absolutely right, मामी जी। अब रमा ताई जी को कहां वक्त मिलेगा मामा? इनका लाडला बेटा अभय जो आ रहा है, इसीलिए तो इतनी खुश नजर आ रही हैं। खुश क्यों नहीं नजर आएंगी? अभय जैसा बेटा होना तो किसी भी माँ बाप के लिए फक्र की बात है। कितना संस्कारी है मेरा बेटा, विदेश में रहते हुए भी अपने संस्कारों को भूला नहीं है। आज वो स्पेशली अपनी दादा दादी की शादी की 50वीं सालगिरह के लिए यहाँ आ रहा है। अरे बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, वो तो आप लोगों के चेहरों को देख के ही पता चलता है। अब अपने बेटे की आने की खुशी में कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। क्यों क्यों बच्चों, पार्टी शार्टी हो जाए ना। हाँ बिल्कुल चाचा जी। वाव, इतनी सारी गिफ्ट्स, इसमें मेरी गिफ्ट भी है ना ग्रैंडमा?
ये रही आपकी गिफ्ट। माँ यहाँ पे सबके गिफ्ट्स हैं। अभय भैया का गिफ्ट नहीं है? अभय सुनिए, सबके लिए गिफ्ट्स हैं, अभय के लिए नहीं। ऐसा क्यों? अभय का गिफ्ट तो उसके आने के बाद ही उसे मिलेगा, एक सरप्राइज गिफ्ट होगा जिसे देखकर आप और अभय और सब लोग खुश हो जाएंगे। अभय का सरप्राइज मैं तुम्हें बताऊं रमा, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो यही बात रंजीत की फैमिली को पता चल जाएगी और मैं नहीं चाहता वक्त से पहले किसी को भी बात पता चले, ना तुम्हें ना उन्हें। आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो सारे भी तो हमारे ही हैं, हमारे अपने। अपने? अरे कैसी बातें कर रही तुम रामा? अरे वो बाकियों को अपना समझेंगे तभी तो अपनापन महसूस होगा ना। देखो पहले की बात कुछ और थी, लेकिन जब से वो रेखा इस घर में आई है सब कुछ बदल गया है। स्पेशली जब वो फैमिली विदेश से यहाँ लौटी है तब से तो सब कुछ, रंजीत क्या, विनय क्या, उनका रंग ढंग चाल ढाल सब कुछ बदल गई है। अब इस रेखा को कौन समझाए कि अपने संस्कार कभी भूलने नहीं चाहिए। देखो तुम यहाँ खड़े रहकर उनकी तारीफ कर रही हो, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस वक्त तो अपने रूम में बैठकर हमारी बुराई कर रहे होंगे। ऐसी ड्रेस तो मैंने देखी भी नहीं थी, वही सालों साल पुरानी स्टाइल, पता नहीं किस जमाने के डिजाइनर ने बनाई है। सच बात पूछो तो अंजना, मुझे ये सारा फंक्शन ही बेकार लग रहा है। You're very right, mom. It's a waste of time and energy. And knowing Daya ji, उनके गेस्ट भी वैसे ही होंगे। ऐसी बोरिंग पार्टी करने की जरूरत ही क्या थी? You know, I think कि ये ताऊ जी की फैमिली की समझदारी ही कुछ ऐसी है। Typical ingenuity. सबका अपना अपना स्टाइल होता है रेखा, अगर वो इसमें खुश हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? Excuse me, हमें उन लोगों के लिए कुछ करना भी नहीं है और आप चुप ही रहिए। आपने जितनी उनकी तारीफ की है ना उतनी काफी है, वैसे भी उन लोगों में ना कोई क्लास है और ना ही कोई टेस्ट। मैं तो बस यूं एक बात कह रहा था। और सेंसलेस बात करने की आपकी तो मास्टरी है। अब वो सारी बातें छोड़िए और मुझे ये बताइए कि उदय कहाँ है। उदय कहाँ है? उदय मॉम अभय आ रहा है, और जब अभय आता है तो उदय आपको क्या पूरी दुनिया को भूल जाता है। उदय बाबू आप, आपकी फंक्शन की सारी मिठाई तो घर भेज दी है। अरे भेज दी होंगी, लेकिन मैं तो किसी और वजह से आया हूँ, अपनी स्पेशल मिठाई लेने। बेसन के लड्डू, इसका मतलब है अभय बाबू आ रहे हैं। अभय इतने दिनों के बाद वापस आ रहा है इसलिए तो यहाँ आया हूँ। अब आप तो जानते हैं उसकी फेवरेट मिठाई तो यहीं से मिलती है, और उसके स्पेशल फेवरेट बेसन के लड्डू भी। अब जल्दी से वो दे दीजिए आप। अभी लो। हेलो उदय, व्हाट्स अप ब्रो? अभय मेरे भाई कहाँ है तू? मैं सिंगापुर पहुंच गया हूँ और बहुत जल्द दिल्ली भी पहुंच जाऊंगा। सिंगापुर? तू सिंगापुर पहुंच भी गया? ओह ग्रेट यार, तू जल्दी आएगा तो घर वाले बहुत खुश होंगे। वाओ। हाँ लेकिन सुन, तू मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए और सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? लेकिन क्या? बताऊंगा बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन पहले दिल्ली तो आने दे। अच्छा बच्चू, भाई को भी नहीं बताएगा? चल कोई बात नहीं, तू घर तो आ रहा है, इतना ही बहुत है यार।
चल यू टेक केयर ब्रो, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। अबे बाबू का फोन था, अच्छा हुआ घर आ रहे हैं, तो घर वालों का बहुत मन दुखता। अरे इतने दिनों के बाद वापस आ रहा है, अपने हाथ से बेसन के लड्डू खिलाऊंगा उसे। अरे भाई जल्दी से एक डब्बा बेसन का लड्डू पैक कर दीजिए, ड्राई फ्रूट वाले। अरे वाह, ये लीजिए हमारी तरफ से अबे बाबू को। बनवारी जी, हाँ जी, आप लोग हमें तैयार तो कर रहे हो, एक बात ध्यान रखना, जब तक अभय नहीं आएगा ये फंक्शन शुरू होने वाला नहीं। अभय पुत्र आ जाएगा जी, लेकिन फंक्शन तो राइट टाइम पे शुरू होगा। हाँ, मेहमानों को इंतजार करवाना ठीक नहीं। धन्य हो, इसे कहते हैं घर की बड़ी, सबन की चिंता लगी रहती है कि नहीं। कितना सजाओगी मुझे, हाँ? इस उम्र में मुझे इतना सजना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ठीक कह रही है वैसे माँ जी, ठीक कह रही है। अरे भाई अब छोड़ दो लड़कियों। चलो अब तुसी लोग भी बाहर जाओ, जाके तैयार हो। कम ऑन लीजा, मैं तुम्हें होटल तक छोड़ दूंगा। एंड डोंट वरी, मैं आज ही अपने घर वालों से बात करूंगा। Believe me, it will be a big surprise for them. Trust me. क्या बात है पंडित जी, किस बात की देरी है, फेरी शुरू करवाइए। अरे अभय कहाँ है, क्या आया नहीं अभी तक? आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे गेस्ट को तो रुकवा नहीं सकते ना। आप लोग अपनी रस्में शुरू कर दीजिए, अभय तब तक आ जाए। You're absolutely right, मामी जी। एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। वरमाला भी? अरे पहना पहना, शर्मा क्या रहे हो? फेरे हो गए, वरमाला भी हो गई, हमने डांस भी कर लिया, ये अभी सब अभय नहीं आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन इन आवर स्टाइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली कम एंड जॉइन अस एट द टेबल, बिकॉज द ब्लेस्ड कपल आर गोइंग टू कट द केक नाउ। बाबूजी, kindly do the honors. Okay. मैं समझ रहा कि हमको अब है कहीं कैसी हो? Hey, welcome bro. कैसा? Welcome भाई. कैसा? अरे तू तो पतला हो गया? अरे नहीं यार, चेक कर, एकदम तगड़ा हूँ. Exercise छोड़ दी तूने? अरे नहीं 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 नहीं, बहुत देर कर दी तूने. हाँ यार, ट्रैफिक में फंस गया. अच्छा ये बताओ, वो सरप्राइज क्या है जो तू फोन पर बता रहा था? अरे जब इतना इंतजार कर चुका है तो थोड़ी देर वेट और कर ले, बता दूंगा. वैसे भी ये सरप्राइज सबके लिए. चल. नहीं नहीं नहीं, मुझे वो सरप्राइज तू अभी बता, मैं नहीं जाने दूंगा. बताऊंगा, सब बताऊंगा. अब चले. I missed you. मैंने भी. Dad. या सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. और आप डैड, आप इंतजार नहीं कर रहे थे? तो अपने पापा को जानते हैं ना बेटा, मेरी नजरें तो रास्ते पे कब से थी कि तू कब आएगा. तुझे देखने का बड़ा मन कर रहा था बेटा. तो जब भी मैं देखता हूं ना तो मेरा सर फक्र से ऊंचा उठ जाता है. तू मेरा मान है बेटा. चल मिले सब. सिस भैया.
How are you? बस बहुत अच्छी। सब ठीक? आपको पता है अभय भैया, आज पापा ने आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। अच्छा सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? अरे वाह, एक सरप्राइज ताया जी अभय को देने वाले हैं और एक अभय हम सबको। Wow, what a day, full of surprises, huh? Great. अरे सरप्राइज क्या है? पर इंतजार नहीं किया जाता, थोड़ा हिंट तो दे दे भाई। हिंट चाहिए? जब तुझे पता चलेगा ना तो तू खुशी से पागल हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? फिर तो मैं पागल होना चाहता हूँ। Just let me know, बताना यार। Wait करना यार, देख जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो जल्दी जल्दी मैं नहीं बता सकता, इसलिए इंतजार कर ले। Trust me, trust me. Bye bye. तेरे दादाजी कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा मेरा पुत्र, अब आएगा मेरा पुत्र, जा मिल उनसे। वेलकम माय सन, कैसे हो? आई एम द बेस्ट एज ऑलवेज। ऑलवेज इट्स ओके। अगर आप सब लोगों का मिलना जुलना हो गया हो तो क्या हम केक काटे? केक कटेगा और जरूर कटेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे माता पिता की शादी की 50वीं सालगिरह है और आज ही मेरा बेटा अभय विदेश से वापस आया। आज के शुभ दिन पर मैं अपने बेटे को कुछ देना चाहता हूं। जसवंत जी, बचपन के दोस्त हैं जसवंत जी और इनकी बेटी लाजवंती। दुनिया जानती है कि रणबीर सिंह मरता मर जाएगा लेकिन अपना वादा जरूर निभाएगा, और ऐसा एक वादा मैंने अपने दोस्त से किया था बचपन में जो आज पूरा करने जा रहा हूं। निभाते हुए मैं अपने बेटे अभय का हाथ लाजवंती के हाथ में देता हूं।